नमस्ते, आप सबका वेलकम है सिमरन की रसोई में। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बच्चों के लिए खाना। देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें ज़्यादा मसाले वाला खाना तो हम खिला नहीं सकते हैं, तो आज मैं बच्चों के लिए बढ़िया सा खाना लेके आई हूँ जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है, और इसे बड़े भी खाएंगे ना तो उनको भी अच्छा लगेगा। मतलब ऐसे कभी कभी नहीं होता है कि एकदम सादा खाना खाना, एकदम सिंपल खाना, तो आप ये बना सकते हैं और बच्चों के लिए तो कई खास करके। तो कुकर में मैंने डाल दिए एकदम, ये जो छोटे वाले चावल आते हैं ना, ये मैंने डाल दिए हैं आधा कप जितने। 2 आलू कच्चे छील कर काट कर डाल दिए, और एक छोटा सा टुकड़ा था गाजर का जिसे मैंने छील कर टुकड़ों में काट लिया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 2 ग्लास जितना पानी और 1 चम्मच घी डाल देंगे। अच्छे से इसे मिला लेना है। मिलाने के बाद इसके अंदर सबसे पहले मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच और स्वाद के अनुसार नमक। देखिए, एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालने क्योंकि ये बच्चों के लिए खाना बनाया जा रहा है। अच्छे से मिला लें। कुकर का ढक्कन देते हुए इसे 2 विसल यानी कि 2 सीटी आने तक पका लें। जैसे ये पक जाए प्रेशर को निकलने दे, ख़त्म होने दे, उसके बाद ही ढक्कन को आपको खोलना है। और देख सकते हैं ये बढ़िया से पक गया है। अब इसे ना आपको थोड़ा सा कुकर में मैश कर लेना है, यानी कि देखिए करछी की मदद से थोड़ा थोड़ा इस तरह से मैश कर ले, मसल ले। तो लीजिए, ये तैयार है, बिल्कुल टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, एकदम झटपट से बनने वाला बच्चों के लिए खाना। छोटे बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, हेल्दी भी है, आपने देखा ही, कुछ भी ज़्यादा मसाले कुछ भी नहीं है, बच्चों को भी पसंद आएगा। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।